ओके, हेलो एवरीवन। सो आज का चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बोर्ड इफेक्टिवनेस, बिल्डिंग बेटर बोर्ड्स। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3, बोर्ड इफेक्टिवनेस, बिल्डिंग बेटर बोर्ड्स। ठीक है, आज का हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने क्या है इसमें आप देख रहे हो, टॉपिक का नेम ही है बोर्ड इफेक्टिवनेस, बिल्डिंग बेटर बोर्ड। इसकी फर्स्ट क्लास है आज। आज फर्स्ट क्लास करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। ओके, एंड इसमें आप देख रहे हो सारे के सारे जो भी आएंगे वो सारे आपके डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजंस क्या होते हैं, वो सारे के सारे आप इस चैप्टर पे करोगे। अभी मैं आपको आउटलाइन का भी गो थ्रू करवाऊंगी कि क्या क्या आउटलाइंस इसमें हम कवर करेंगे, बट दिस इज चैप्टर, चैप्टर 3 एंड क्लास 1। ओके, तो योर चैप्टर इज आज का चैप्टर 3, बोर्ड इफेक्टिवनेस। ओके, इसकी क्या है आज आपकी क्लास फर्स्ट है। सो क्या क्या आउटलाइंस हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जो इसमें कवर आप करोगे दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बोर्ड इफेक्टिवनेस, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर, बोर्ड इंडिपेंडेंस, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, बोर्ड इवेल्युएशन, बोर्ड डाइवर्सिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, दीज आर द आउटलाइंस विच वी कवर अंडर दिस चैप्टर नंबर 3। ओके, सो व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स विच वी आर कवर अंडर दिस चैप्टर? कंपनीज एक्ट आप करोगे। रीजन बिहाइंड कि कंपनीज एक्ट आपका कवर अप करेगा जब आप कॉर्पोरेशन की बात करोगे, से भी आपका कवर करेगा ही करेगा अगर आप क्या करोगे, लिस्टेड कंपनीज की बात करोगे। जब आप लिस्टेड कंपनीज की बात करते हो तो वेदर वो क्या है आपकी इंटरनेशनल्स भी हो सकती हैं, एंड हाईली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स जो होते हैं वो NSE प्राइम कंपनी से डिफाइन क्यों करते, जो बहुत हाई मतलब हाईली स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो दिए होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज को मानने पड़ते हैं, NSE कंपनीज को मानने पड़ते हैं। तो वो सारे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द क्राइटेरिया, हमें क्या क्या कवर, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स कवर करेंगे। फर्स्ट आप कंपनीज एक्ट 2013, सेकेंड सेबी, LODR रेगुलेशन 215, इसके बाद इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और NSE प्राइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी है इसमें कंपनीज, इसके भी हम रेगुलेशंस पढ़ेंगे, मतलब इसके भी फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें बता रखे हैं, प्रोविजंस बता रखे हैं। क्लियर, ये सारे आज हमें क्या करने हैं, मतलब इन सब के जो भी प्रोविजंस आएंगे अगर डायरेक्टर्स के हैं, कि जैसे डायरेक्टर्स में अभी अपने बेसिक प्रोविजंस क्या थे कि कितने डायरेक्टर्स आपकी कंपनीज में नीड होते हैं, कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 149 आपका बताता है। तो ऐसे ही NSE प्राइम्स के कंपनीज के कुछ अलग प्रोविजंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलग प्रोविजन, सेबी के अलग हैं, कंपनीज एक्ट के अलग हैं। क्लियर है, स्टार्ट करें। ओके, सो वेट,
इसके बाद अब आपका दिस इज अ बेसिकली इंट्रोडक्शन जो आपका है कि बोर्ड्स हमारे क्या होते हैं. बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी. ओके, सो दे हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू एंड टू डू ट्रांसपेरेंटली. ओके, सब कुछ बेटर मॉनिटरिंग करते हैं एंड सारा इन द स्टेक ऑफ कंपनी के काम पे करते हैं या इन द स्टेक ऑफ स्टेक होल्डर के वर्क के में करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, बोर्ड्स के ड्यूटीज़, जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो करनी ही करनी, क्योंकि डायरेक्टर्स आर द वो मेन पर्सनस हैं जो आपका सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी होता है वो कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज इट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शन विद रिगार्ड्स टू लीडरशिप विजन स्ट्रेटजी पॉलिसी मॉनिटरिंग सुपरविजन अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर अचीविंग ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोफेसर परफॉर्मेंस ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस एज वेल एज एडहेरेंस टू द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपनीज का, वो क्या होना चाहिए आपका, एक एज अ लीडरशिप विजन स्ट्रैटेजी पॉलिसी मॉनिटरिंग सब में वो वर्क करते हैं. और वो किसके लिए काम करते हैं, शेयर होल्डर के लिए काम करते हैं, अदर स्टेक होल्डर के लिए काम करते हैं और उस लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं कि आपका बेस्ट प्रैक्टिस आप अडॉप्ट करो. ओके, Now, board have responsibility, again यहाँ से आप देखो, board have responsibility for the health of the company. Reason, because company is an artificial person, वो काम नहीं कर सकती, उसके बिहाफ में कौन काम कर रहा है, board. तो board take a responsibility to make a healthy, wealthy company, ठीक है, and उसको लेके जाना long term पे काम करना, वो भी हमारा क्या है, board का decisions होते हैं. Okay? बोर्ड इफेक्टिवनेस में क्या क्या फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, दीज आर द फैक्टर्स विच वी कंसीडर अंडर द बोर्ड इफेक्टिवनेस. फर्स्ट, बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, बोर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए, चेयरमैन बोर्ड कौन होने चाहिए, बोर्ड डाइवर्सिटी, बोर्ड इंगेजमेंट लेवल क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बोर्ड इवेल्युएशन क्या होना चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज क्या होनी चाहिए. नेक्स्ट, अब इस लेसन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट हम इंक्लूड करेंगे. सबसे पहले रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट और सेबी को तो इंक्लूड करेंगे करेंगे. एनएससी प्राइम कंपनीज में क्या क्या आपके गुड प्रोविजन दिए हुए हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या दे रखा है, कौन से प्रिस्क्रिप्शन डिफाइंड है वो हम डिस्कस करेंगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज की होती है वो डिस्कस करेंगे, प्रॉक्सी एडवाइजरी की क्या प्रिस्क्रिप्शंस है वो हम डिफाइन करेंगे, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग अलग कोड्स क्या क्या बने हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स एंड सर्वे क्या कहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली दिस चैप्टर लाइक होल एथिक्स चैप्टर इज ऑल अबाउट द अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो आपके बने हुए हैं कोड्स, जो भी आपके रेगुलेशंस बने हुए हैं, वी ऑल डिस्कस अंडर द एथिक्स चैप्टर, मतलब एथिक्स बुक. ओके, नाउ जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेश टॉपिक, दैट इज बोर्ड कंपोजिशन. अब बोर्ड कंपोजिशन है तो बोर्ड कंपोजिशन आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग होगा, सेबी के हिसाब से अलग होगा, ठीक है, एनएससी प्राइम कंपनीज के हिसाब से अलग होगा, प्रैक्टिस कंपनीज की क्या चलती है, प्रॉक्सी एडवाइजरी के हिसाब से क्या आपके प्रोविजन से क्या रेगुलेशन से, तो वी ऑल आर डिस्कस सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स के. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट, जो आपको पहले से पता है बिकॉज यू ऑल हैव रेड अबाउट कंपनीज एक्ट 2013. ऑल द प्रोविजन स्पेशली डायरेक्टर के चैप्टर सब बहुत ही डीपली पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स हो गया, जनरल मीटिंग्स हो गया, ठीक है, अभी भी अगर आप ड्यू डिलीजेंस के बुक्स मतलब कोचिंग अगर आप ले रहे होगे उसमें भी आप पढ़ रहे होगे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, सेबी के प्रोविजन, फेमा के प्रोविजन,
तो बिकॉज इट इज़ अ बेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ सी एस जो आप पढ़ते हो कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट सबसे पहले क्या कहता है, सेक्शन 49 के अंदर आपका डिफाइन करता है क्या, सेक्शन 49 के अंदर आपका डिफाइन करता है ओके. अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं. सो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज में क्या होते हैं, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट कंपनी, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओपीसी, देयर इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, फर्स्ट इफ यू हैविंग अ प्राइवेट कंपनी देन यू नीड टू डायरेक्टर्स, मिनिमम टू डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट कंपनी, मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स फॉर पब्लिक कंपनी एंड मिनिमम वन डायरेक्टर फॉर ओपीसी. This is a minimum limit. What is the maximum limit of the companies? You can extend to 15, same like in public company and same like in OPC. OPC में सिर्फ member एक होता है, directors आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, either private company, either public company. Sorry. ओनली इन OPC देर इज ओनली वन डायरेक्टर जो मिनिमम में कैटेगरी में आता है, अदरवाइज तो देर इज अ कैटेगरी, मतलब देर इज अ नंबर डिफाइंड प्राइवेट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी में, बट OPC में एक डायरेक्टर हो सकता है पर मैक्सिमम आप 15 कर सकते हो. ठीक है, नाउ इसके बाद अब आपका क्या है, लेट्स रीड अबाउट दिस. एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर शैल हैव minimum number of directors in the case of company, public company, three directors, two directors in the case of a private company, one director in case of a OPC, maximum 15 directors. okay, अब इससे मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो अगर directors बन रहे हैं, directors क्या हमारे corporation भी बन सकते हैं या सिर्फ individual ही बनेंगे? This is a question for you. If there is a basic concept कि आपको individual ही बनेंगे या corporation company भी बन सकती है. Yes, सिर्फ individual ही बनेंगे, corporation आपके नहीं बन सकते हैं. There is a requirement कि आपके जो director होने चाहिए वो individual ही होंगे, corporation नहीं होंगे. तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि दो चीज़ हैं, एक आपका कॉर्पोरेशन है, एक आपका इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेशन के केस में आपका क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर कॉर्पोरेशन बन सकते हैं, डायरेक्टर कॉर्पोरेशन नहीं बन सकते हैं. इंडिविजुअल मेंबर भी बन सकता है और डायरेक्टर भी बन सकता है, दोनों आपके बन सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत? इसके बाद मैक्सिमम
लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स कितनी है 15। अगर आपको इस 15 से एक्सीड 15 करने हैं डायरेक्टर्स को, तो पास SR इन AGM टू एक्सीड मोर देन 15 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देयर इज अ रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल 2014 सेज कि एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए इन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी में। अब वो कौन सी कंपनीज हैं? एक तो एवरी लिस्टेड कंपनी में, दूसरा पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 100 करोड़ या मोर, टर्नओवर में 300 करोड़ और मोर। अगर ये क्राइटेरिया है जो फुलफिल होता है पब्लिक कंपनी का, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 300 से ज़्यादा है, तो एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सो एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन एवरी लिस्टेड कंपनी विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है, इसके बाद एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर एंड turnover of 300 crore or more as on the date of the audited financial statement shall appoint at least one woman director within 1 year from the implementation of the act. Is it clear? Okay. So, listed company mein aapko women director appoint karna hai from the date of commencement of act. Theek hai, ek saal ke andar within 1 year from the कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। और वुमेन डायरेक्टर जैसी आपकी ये क्राइटेरिया, अगर ये जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है इसमें आप क्रॉस कर लो या इस पर रीच हो जाए, ट्रिगर हो जाए, तो उस टाइम पे आपका वुमेन डायरेक्टर आपके लिए एलिजिबल, मतलब क्राइटेरिया बन जाएगा जो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगेन सेक्शन 149 subsection 3 resident of India होना चाहिए company का at least one director। resident of India किसको बोलोगे? जो 182 days और more during calendar year है, तो that is called रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं तो एटलीस्ट तब भी 1 डायरेक्टर आप, चाहे 2 डायरेक्टर आपके बाहर के हैं पर 1 डायरेक्टर आपका इंडिया का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन अगेन इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद इन केस ऑफ न्यूली कॉर्पोरेट कंपनी है तो वो शैल अप्लाई प्रोपोर्शनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो जब तक प्रोपोर्शनलिटी उसके हिसाब से फाइनेंशियली एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियली के हिसाब से आप प्रोपोर्शनली देख लोगे कितना आपका बन रहा है।
सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 आपका ये कहता है आप पे लिस्टेड कंपनी टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. लिस्टेड कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है. एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ क्लास ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी. ओके, कहता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में कहता है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज के. क्लियर है? देखो एनएससी प्राइम क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो प्रिस्क्राइब करता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनी. क्या कितना अच्छी तरीके से आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, वो एनएससी प्राइम आपको क्या है, इट इज ऑल्सो फ्रेमवर्क लाइक सेबी है. अगर ऐसे क्या है, एनएससी प्राइम भी आपका क्या है, एक फ्रेमवर्क है. ठीक है, सेबी आई मीन एलओडीआर. Now let's discuss about the LODR के provisions for composition of board of directors. तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है, सेबी LODR regulation 2015 में रेगुलेशन 17 आपको जो बताता है वो किसके बारे में बताता है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताता है. सो इसमें आपका क्या है, सबसे पहले हम करते हैं सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ए में हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. क्योंकि आपने पढ़ा है अभी वुमेन डायरेक्टर का रूल 3 के अंदर, ठीक है, कंपनीज एक्ट के, कि हर लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है. तो बेसिकली जब आप लिस्टेड कंपनी में, तो लिस्टेड कंपनी में आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों होने चाहिए, प्लस वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एंड जो 50% से कम नहीं होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. क्लियर? तो यहाँ पे ये कहता है, ए में ये कहता है कि आपके एक तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, प्लस विमेन डायरेक्टर होना चाहिए, प्लस नॉट लेस देन 50% आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए. क्लियर? सेकेंडली इसके बाद क्या कहता है, और भी बताएं कि आप जैसे जानते हो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज 1000 लिस्टेड कंपनीज है, तो इनके लिए भी एप्लीकेबल हुआ था कि आपको एटलीस्ट, अभी तो सिर्फ वुमेन डायरेक्टर है, कोई भी हो सकता है वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज में 1 अप्रैल 2019 से एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और 1000 लिस्टेड कंपनी में 1 अप्रैल 2020 से एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least 1 woman director and not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive directors. Wait. Okay.
हटा रही है, व्हाट्सएप के आने में लगे हैं ना। यस नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, हाँ ये पढ़ रहे थे हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर एंड नॉट 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोवाइडेड टॉप 500 लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में है, ठीक है, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उन पे एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 से। और ये जो आप ये टॉप जो बेसिकली 500 और 1000 लिस्टेड कंपनीज की बातें कर रहे हैं या एंटिटीज की बातें कर रहे हैं, ये हमारा जो कैलकुलेट होता है डिटरमाइंड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ठीक है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है उसके हिसाब से वो रैंकिंग उनकी उस हिसाब से होती है। नाउ सेकेंडली क्लॉज बी में कहता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका चेयरमैन पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, अगर चेयरमैन पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वही सेम जो आपने ऊपर पढ़ा है, 1/3 ऑफ किस में पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में पढ़ा है जो कि 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और अगर लिस्टेड एंटिटी का रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब हर बार आपका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बन रहा है, तो एटलीस्ट 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लॉज क्या पढ़ा, इसमें क्लॉज में क्या है, चेयरपर्सन अगर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव है और रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो इस केस में 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें 1/2 ऑफ टोटल डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर है, सेकेंडली ये कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, जो इस वाले केस में हाफ एटलीस्ट हाफ का गैप है, अगर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है आपका वो प्रमोटर है लिस्टेड कंपनी का या रिलेटेड है, जो रिलेटेड है किसी भी प्रमोटर या जो पर्सन से जो मैनेजमेंट पोजिशन में है, तो उस केस में भी आपका क्या है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोविजन के बारे में, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी के बारे में, अगर जो आपका नॉन रेगुलर नॉन मतलब सॉरी रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आपका रिलेटिव है, रिलेटिव के उसमें आता है, रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो उस केस में आपका ये होगा कि वो 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, उसके जो टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके बाद क्लॉज 6 में बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं सर्टेन क्लास ऑफ लिस्टेड कंपनी में। क्लॉज सी में क्या कहता है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं और टॉप 1000 कब से अप्लीकेबल, 2019 से, और 2000 कब से, 2020 से, उसमें क्या है, 6 डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितने डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, 6 डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लॉज सी जो आपका बनेगा उसमें क्या कहता है, 1000 लिस्टेड एंटिटी, 2000 लिस्टेड एंटिटी, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल
2020 इस केस में आपके जो मिनिमम डायरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। ये प्लीज नोट डाउन कर लेना क्योंकि आखिरी टाइम में आपको वो नहीं पढ़ पाओगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाओगे, चार्ट ही आपको काम करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर एंड नोट डाउन इन अ नोटबुक, तो इट विल हेल्प यू एग्जाम के टाइम पे। ओके, अब देखिए हर तरह के फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको सेबी के बारे में बता रहा है, अब आपको बोर्ड साइज बताएगा एज पर एनएससी और प्रॉक्सी एडवाइजरी गाइडलाइन, मतलब एनएससी प्राइम कंपनीज के हिसाब से, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, फिर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के हिसाब से कितने होने चाहिए। हर फ्रेमवर्क के अलग अलग आपको प्रोविजन्स बताएगा, आपको फिगर्स तो याद होनी चाहिए। ओके, तो एनएससी प्राइम में क्या कहता है, एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 8 होने चाहिए। सेकेंडली जो चेयरपर्सन है वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, मैनेजिंग या चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ नहीं होना चाहिए एनएससी प्राइम कंपनी का। ओके, इन केस पब्लिक की शेयर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा है तो जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मोर देन हाफ आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम अब आ जाएंगे एनएससी प्राइम कंपनीज इसके हिसाब से रेगुलेशन क्या है, सबसे पहले क्या कहता है, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। सेकेंडली क्या कहता है, जो चेयरपर्सन है वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, किसका, मैनेजिंग डायरेक्टर का, सीईओ नहीं होना चाहिए ऑफ एनएससी प्राइम कंपनी का। थर्ड एक और क्राइटेरिया प्रोवाइडेड में क्या रखा है कि आपकी अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन है 50% तो उस केस में आपके हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, हाफ या मोर देन हाफ आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कहता है, सेकेंडली इसमें एक और पॉइंट, यहाँ पे मोर देन हाफ है, को स्पेसिफिकली लिख लो मोर देन हाफ है। सेकेंड क्राइटेरिया, अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी ग्रेटर देन 50% है, लेस देन 50% है, तो यहाँ पे एटलीस्ट मतलब इक्वल में भी आ जाता है, एटलीस्ट आपके हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें तो मोर देन होने ही होने चाहिए, इसमें सिर्फ एटलीस्ट होने चाहिए। There is a difference between at least and more than, and with effect, again most important, with effect 1 July 2025 at least 2 women directors आपके होने ही, मतलब at least 2 director आपके women होंगे, ठीक है। इसमें एक वुमेन डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अभी तक आपका क्या था, 1 वुमेन डायरेक्टर था, आप क्या है, 2 वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए और एक वुमेन डायरेक्टर आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। क्लियर? ठीक है, सो यहां तक आपको पेज जो मैंने करवाए ये आपको रीड आउट करने हैं, पढ़ने हैं। इसके नेक्स्ट क्लास पे हम कहाँ से करेंगे, LIAS से बेसिकली क्या है आपका, ये प्रॉक्सी एडवाइजरी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग दे रखे हैं आपको कि बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे।
ओके अगर यहाँ से तो ये वाला टॉपिक खत्म कर देते, फिर नेक्स्ट बोर्ड इंडिपेंडेंस आ जाएगा. सो LIS प्रेफर क्या करता है, बोर्ड साइज कितना होना चाहिए, 6 to 15 होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद सबसे मेन यही है कि बोर्ड साइज आपका क्या होना चाहिए, 6 to 15 होना चाहिए. बोर्ड साइज शुड बी commensurate with the size and operation of the company. LIS believes that the given the nature and quantum of work involved, 3 director may not be optimal. 3 director काफ़ी नहीं है. ठीक है, तो ये गाइडलाइंस आपके अलाइन की गई है कोटेक कमेटी शेयर होल्डर से, जहाँ पे एटलीस्ट 6 directors आपके होने चाहिए. ऑन द अदर हैंड अगर कंसर्न होता है क्रिटिकल इशूज़ में तो आपकी बोर्ड साइज 15 members से भी एक्सीड हो सकती है. ये अलग अलग एडवाइजरी कमिटीज हैं. ठीक है, LIS के बारे में अभी आपने पढ़ा. इन गवर्न द दूसरा एडवाइजरी फर्म है जो कहती है कि बोर्ड साइज आपको जो प्रेफर करती है वो 7 to 15 member का होना चाहिए. ठीक है, जिसमें बोर्ड साइज आउटसाइड ऑफ इट दिस रेंज इज कंसिडर लेस इफेक्टिव ईदर ड्यू टू लो डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज एंड ओपिनियन एंड लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन की कमिटीज ऑन बोर्ड. बिग बोर्ड साइज ऑफ ग्रेटर देन 15 member प्रेजेंट हो सकते हैं, पर जिससे हमारा क्या होता है, अगर ज़्यादा होंगे तो डिले होता है डिसीजन मेकिंग्स में. तो इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रेफर करते हैं कि 7 to 15, क्योंकि जो रेंज है, अगर बोर्ड साइज आउटसाइड ऑफ दिस इससे ज़्यादा रेंज में, अगर इससे बाहर चला जाए 10 to 15 के बाहर, मतलब बेसिकली इट इज अ मिनिमम रेंज, अगर 15 से बाहर चला जाएगा तो डिले होगा. ठीक है, इसके बाद SES प्रेफर करता है बोर्ड साइज 6 to 15 member होने चाहिए. अगर बोर्ड साइज इससे बाहर चला जाता है तो कंपनी क्या कर सकती है, बेसिकली कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी रेशन फॉर द सेम. क्लियर, तो अगर मैं बात करूं NSE प्राइम कंपनी कहता है कि आपके एटलीस्ट आपके 8 member होने चाहिए. ठीक है, LIS कहता है 6 to 15 होने चाहिए. इन गवर्न कहता है 7 to 15 member होने चाहिए और SES कहता है 6 to 15 members होने चाहिए. दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. ओके, थैंक यू. सो नेक्स्ट क्लास में हम बोर्ड इंडिपेंडेंस करेंगे chapter 3 का. दिस इज द क्लास फर्स्ट एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी chapter 3 की, दैट वुड बी class 2 ऑफ chapter 3. ओके, कितना मैंने बोल दिया, क्या बोल रहे हैं ये आज, क्यों बोल दो कि क्या कहते हैं, अभी क्या लिख रहे हैं, फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट एज पेंडिंग फ्रॉम साइड, लिख दो नथिंग इज पेंडिंग फ्रॉम योर साइड. ओके, सो वंस इट्स डन वी विल लेट यू नो. ठीक है, और इसमें साजना को बोलो कि एक्चुअली आपको क्या कहते हैं, लीगल पेमेंट्स करवा दो. रीज़न बिहाइंड कि उतना पेमेंट्स है नहीं, क्योंकि हर क्लाइंट्स के पेमेंट्स करने हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं छोटे छोटे पेमेंट्स कर सकती हूँ, पर बड़े पेमेंट कैसे करूँ, ज़्यादा पेमेंट्स के भी हैं. Nothing is pending from your side. हाँ, nothing is, till now nothing is pending from your side. If we need any further documents, we will let you know. And once the work is done, we will inform you. Video. Don't tell me कि अभी की video recording है. ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी क्या, ये नहीं होगी.
हेलो एवरीवन, मैं वो सारे स्टूडेंट्स जो दी मैंने इतने, सो दे हैव ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज टू डू एंड टू डू ट्रांसपेरेंटली. ओके, सब कुछ बेटर मॉनिटरिंग करते हैं एंड सारा इन द स्टेक ऑफ कंपनी के काम पे करते हैं या इन द स्टेक ऑफ स्टेक होल्डर के वर्क के में करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, बोर्ड्स की ड्यूटीज, जो बेसिक ड्यूटीज हैं वो करनी ही करनी, क्योंकि डायरेक्टर ज़्यादा वो मेन पर्सन हैं जो आपका सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे एक्टिविटीज जो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी होता है वो कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज इट, जैसे आप ये क्राइटेरिया, अगर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसमें आप क्रॉस कर लो या इस पे रीच हो जाए, ट्रिगर हो जाए, तो उस टाइम पे आपका वुमेन डायरेक्टर आपके लिए एलिजिबल, मतलब क्राइटेरिया बन जाएगा जो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा. अगेन सेक्शन 149 subsection 3, resident of India होना चाहिए company का at least one director. resident of India किसको बोलोगे, जो 182 days or more during calendar year है, तो that is called resident of India. तो अगर आपकी कंपनी में तीन डायरेक्टर्स हैं तो एटलीस्ट तब भी वन डायरेक्टर आप, चाहे दो डायरेक्टर आपके बाहर के हैं पर एक डायरेक्टर आपका इंडिया का होना चाहिए. कहाँ डालूँ इसको, इसको पिछली बार मैंने क्लास किससे डाली थी, क्या है पासवर्ड इसका, ओम साई राम, वो उनसे बोलो मोहित शुक्ला से या वो दे डॉक्यूमेंट्स, ये करो जरा लॉग इन. हाँ नहीं, पवन से वाला नहीं, जो 81 वाले दिए हैं दीदी, हमें साइन कर दो उनका वाले जो फॉर्म करो सबसे, क्यों नहीं निकाला भाई, ये कल ना ये प्रिंटर ठीक हो जाना चाहिए, ये कल मैम अगर घर में काम हो गया होगा तो फिर मैं आऊंगी, घर में काम तो शाम को हो गए, सुबह ही हो जाएगा, आज हो जाएगा शाम, वो पेंट वगैरह का. पर हो जाएगा ना, आज को तो मैं प्रिंट आउट वहां से भी निकाल के रखती हूं. तुम कहां बैठते हो तब तो मैं तुमको मैसेज ही करती रह जाती, तो बात तो ये है ना, समझी, ए डेफिनेटिव टाइमलाइन बाय व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी कंप्लीटेड. Take the one Monday, Tuesday.
इनका भी मैसेज है गंगाधर सर का, व्हाट इज दिस रिगार्डिंग जो आपने एचएसएम भेजा था, जो आपने बताया डिजाइन कंसल्टेंसी। डिजाइन एंड कंसल्टेंसी डिजाइन बहुत दिमाग खाता है ये वैभव, समय बहुत हेलो मैम, ये मैंने वो तो कर दिया रिकॉर्डिंग, ठीक है मैं इस पे अपलोड कर रही हूँ, ये अपलोड फेल हो गया यार, जो पहले वाला आपने दिया था मेरे को ड्राइव पे। हाँ तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। हाँ मतलब जो पहली बार ड्राइव में किया था ना मैंने, उसी पे कर दो। आवाज तो आ रही है, मैंने देख ली आवाज। क्या बुक तो दिख रहा है मैम, आप भी देख लेना, मेरे को तो दिख रहा है। ठीक है ठीक है मैम। Yeah.